हेलो स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास लेक्चर सीरीज कर रहे हैं। सेकंड यूनिट का थर्ड लेक्चर है आज। टॉपिक डिवाइड द पॉलीनोमियल। लास्ट लेक्चर में हमने डिवाइड किया था विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मल्टीपल क्वेश्चंस, शॉर्ट नंबर क्वेश्चंस के लिए है, या क्वेश्चन में हमको एग्ज़ाम में मेंशन हो कि आपने क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम करना है। अगर डिवाइड के मेथड से करना हो तो आज हम स्टडी करेंगे डिवाइड। एक्सरसाइज 2.3 के दो क्वेश्चंस कल भी किए थे, कल मींस लास्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में भी किए थे, आज भी करेंगे। कल रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से किए थे और आज हम डिवाइड के मेथड की हेल्प से करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। एग्जांपल्स करेंगे आज एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। पहले एग्जांपल्स करेंगे। बेसिक मेथड मैं आपको फिर से बता देता हूँ एक बार। जब हम डिवाइड करते हैं तो जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसको डिविडेंड, जिसको हमने डिवाइड करना होता है, जिससे हमने डिवाइड करना है उसको डिवाइजर बोलते हैं। जो डिवाइड हो जाता है मतलब मल्टीप्लाई से वैल्यू आ जाती है उसको क्वोशेंट, जो रिमेनिंग बच जाता है उसको रिमाइंडर। ये आपको ध्यान में रखना है। डिविडेंड को हम पी एक्स से लिख रहे हैं, क्वोशेंट को क्यू एक्स से, डिवाइजर को जी एक्स से एंड आर एक्स से। तो हमारे पास एक फॉर्मूला बना, पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। मैंने सिंपल, ये तो पॉलीनोमियल की फॉर्म में हो गया हमारे पास, मैंने आपको सिंपल भी करके दिखाया था। सपोज आप 14 को 3 से डिवाइड कर रहे हो, देन 14 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई विद 4 प्लस 2। तो यही कंसेप्ट हम पॉलीनोमियल में यूज करेंगे, यही कंसेप्ट हम पॉलीनोमियल में यूज करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 कर रहे हैं। पी एक्स गिवन आपको जी एक्स, क्वेश्चन में लिखा है डिवाइड करना है आपने। तो अभी आप इस पर रिमाइंडर थ्योरम नहीं अप्लाई कर सकते, ये एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन नहीं था, इसलिए मैं एग्जाम्पल्स कर रहा हूँ। डिवाइड करेंगे आप हमें, मैं स्टार्टिंग बेसिक से करवाता हूँ। फर्स्टली आपने देखना है इसकी डिग्री कितनी है 2, इसकी डिग्री कितनी है 1, या सेकंड ऑप्शन क्या, आप डिवाइड करके चेक कर लो। 3x² इसको इससे डिवाइड कर दें, क्या बचेगा जी हमारे पास, एक x कैंसिल हो जाएगा 3x। मींस क्या, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 3x के साथ। फर्स्ट की मल्टीप्लाई किया, सेकंड की ये वैल्यू हमारे पास है। अब इन दोनों को करेंगे सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने के लिए सिंबल हम यहां पे लगा देते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो डिफरेंट साइन हो मींस अपोजिट साइन हो, ऊपर प्लस है नीचे माइनस, कैंसिल हो जाएंगे। अब प्लस का साइन नहीं रहा इसका, इसका साइन कौन सा बन गया, माइनस का। ये माइनस 3x है, ये प्लस एक्स है, माइनस 3x प्लस एक्स, क्या बचा जी, माइनस 2x। अब फिर से हम इसको डिवाइड करेंगे, फर्स्ट फर्स्ट लेटर को माइनस 2x को x से डिवाइड करेंगे, क्या बच जाएगा जी, माइनस 2। मल्टीप्लाई किससे होगी, मींस माइनस 2 से, जो बच जाता है डिवाइड करने के बाद आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन, उससे मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस 2 से मल्टीप्लाई, माइनस 2 से मल्टीप्लाई, फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करना मीन्स साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस का 2x होगा माइनस, ये प्लस का 2 है माइनस का 1 मींस 1। तो ये हो गया आपका डिवाइड, क्योंकि अभी इससे आगे हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी डिग्री जो बचा हमारे पास रिमाइंडर, वो जो डिवाइजर है उससे कम आ गई। जब कम आ गई तो आप छोड़ दो। डिवाइड कब तक करना है, जब तक डिग्री इक्वल और ग्रेटर है। जब डिग्री स्मॉल आ गई, 1 रह गया, यहाँ पे x है, तो आप सम को छोड़ सकते हो। तो ये आपके पास क्वेश्चन बन गया, ये डिवाइजर था आपका, ये डिविडेंड था, ये क्वेश्चन है और ये
रिमाइंडर है, ऐसे आपने डिवाइड करना है। आप इसको लिख भी सकते हो अगर फॉर्म में लिखना हो तो पी एक्स जो थी आपके पास 3x² + x - 1 इज इक्वल टू क्या आया, डिवाइजर मल्टीप्लाई विद क्वोशेंट प्लस 1। दिस इज द आंसर। ये था जी हमारी 6 एग्जांपल। 7th करेंगे, सिमिलर केस है, प्रैक्टिस कर चलेगी अब हमारे 7th एग्जांपल है जी, मेथड वही रहेगा, प्रैक्टिस है। फर्स्टली क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, 3x4 डिवाइडेड बाय x कितना आया जी 3x³, तो 3x³ से मल्टीप्लाई 3x4 - 3x³ ठीक हो गया, माइनस प्लस यानी सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये सेम कैंसिल हो गए, ये माइनस का है ये प्लस का बन गया, अब इसका सिंबल ये वाला है प्लस का बन गया, कितना बचा जी माइनस, बाकी जो बचता है लिख लिया। अब स्टार्टिंग टर्म कौन सी होगी, माइनस एक्स क्यूब डिवाइड करेंगे बाय एक्स, कितना है जी माइनस एक्स स्क्वेयर, अब माइनस एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई, माइनस एक्स स्क्वेयर से इसी मल्टीप्लाई माइनस एक्स क्यूब, माइनस एक्स स्क्वेयर से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें टर्म नहीं है, एक्स स्क्वेयर की टर्म नहीं है, तो साइड पे लिख दो, आप साइड पे लिखो, लिख यहां भी सकते हो पर आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए साइड पे लिख देते। मैंने क्या, ये दोनों कहां से आए, माइनस एक्स स्क्वेयर की इससे मल्टीप्लाई, साइन चेंज फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कैंसिल हो गए। सबसे बड़ी पावर आगे लिख लीजिए आप, फिर बाकी जो बच गए। नेक्स्ट अगेन माइनस एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर को डिवाइड किससे करें, एक्स से, कितना आया जी माइनस एक्स, मीन्स यहाँ पे माइनस एक्स, अगेन माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स की इससे मल्टीप्लाई प्लस एक्स ठीक है जी, प्लस माइनस फिर कैंसिल माइनस 4x - 1 अगेन, ये एक्स है ये माइनस 4x है, माइनस 4 से प्लस माइनस 5 बच गया, ये आ गया जी आपका क्वेश्चन। तो अभी आपका डिविडेंड जो था x⁴ - 4x³ - 3x - 1 किसके इक्वल आया जी, डिवाइजर x - 1 मल्टीप्लाई विद क्वेश्चन 3x³ - x² - x - 4 प्लस -5 रिमाइंडर, फॉर्मूले में प्लस होता है इसलिए मैंने प्लस लिखा, नेक्स्ट स्टेप में आप प्लस माइनस क्या लिख दोगे, माइनस लिख दोगे, ये आपके पास में आंसर आ गया, आप चेक कर सकते हो 3x³ - x² - x x - 1 - 5 दिस इज द आंसर, डिवाइड कर दीजिए हमने पॉलिनोमियल। अगर आपसे रिमाइंडर पूछेंगे तो -5 इज द रिमाइंडर, क्वेश्चन पूछेंगे तो दिस इज द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अगेन फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेंड ऑन डिवाइडिंग दिस वन। अब इस क्वेश्चन को आप नेक्स्ट जो एग्जांपल है आपके पास में, ये आपकी दो मेथड से हो सकती है, 8th है जी। अब इन्होंने जो हमने 6th या 7th एग्जांपल की उसमें सिर्फ मेंशन था डिवाइड करना, अभी उन्होंने लिखा फाइंड द रिमाइंडर x³ + 1 को आप करोगे x + 1 से और पूछा फाइंड द रिमाइंडर, तो दो मेथड बनते हैं इसके। फर्स्ट मेथड क्या है, सबसे इजी रिमाइंडर थ्योरम जो मैंने लास्ट लेक्चर में की है, रिमाइंडर थ्योरम मैं करके दिखाता हूं फिर से। रिमाइंडर थ्योरम क्या करना है, जिससे आपने डिवाइड करना है उसको 0 के इक्वल रख लो, x की वैल्यू आ गई आपके पास -1, x की -1 आप पी एक्स में भर दो, कितना आया जी 0, मींस क्वेश्चन में रिमाइंडर कितना आ गया जी, रिमाइंडर कितना आ गया आपके पास 0। ये तो एक मेथड था, सेकंड मेथड है, मेथड सेकंड, ये फर्स्ट था ये सेकंड है, सेकंड मेथड है डिवाइड करोगे आप, पहले डिवाइड मेथड, डिवाइड में आप
वही डिविडेंड क्वेश्चन डिवाइजर वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, वही पुराना फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। कर सकते हो आप डिवाइड, फिर से एक्स क्यूब्स को एक्स से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा जी, एक्स स्क्वेयर मीन्स एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई इससे, अभी किससे मल्टीप्लाई होगी इसके बराबर पहुंचने के लिए, एक्स प्लस वन सेम आगे, रिमाइंडर क्या आया जी, जीरो आया। तो ये थे, आपको जब रिमाइंडर पूछा गया हो निकालना है तो आप दो मेथड से कर सकते हो, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम एंड यूजिंग डिवाइड मेथड, अगर स्पेशल कुछ ना मेंशन हो क्वेश्चन के अंदर में। तो इसके साथ के हमने सारे क्वेश्चन कर लिए, 2.3 मैंने सारी रिमाइंडर थ्योरम से करवाई थी आपको, अगर आप इस मेथड डिवाइड से करना चाहते हो तो कर सकते हो, लास्ट लेक्चर में मैंने रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से करवाई थी। अभी नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट है जी एक्सरसाइज में ही चलते हैं क्योंकि बेसिक बेसिक क्वेश्चन है एक्सरसाइज से, एग्जाम्पल साथ की है तो एग्जाम्पल तो आपके पास सॉल्व है, इसलिए क्योंकि एग्जाम्पल सेम है मैं एक्सरसाइज में लेके चलता हूं आपको, एक्सरसाइज 2.4, एक्सरसाइज 2.4 करेंगे, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज फैक्टर एक्स प्लस वन, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन, आपको फाइंड आउट करना है इस पॉलिनोमियल का एक्स प्लस वन फैक्टर है या नहीं है। क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम के जैसा ही है, आप इसको जीरो के बराबर फिलअप करोगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू को पॉलिनोमियल में भर के आप रिमाइंडर निकालते थे, अब अगर रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो दिस इज द फैक्टर है, अगर जीरो नहीं आता तो नहीं है। मैं फिर रिपीट करता हूं, रिमाइंडर थ्योरम के जैसे है, रिमाइंडर थ्योरम में लास्ट में जो बच जाता था हम उसको बोलते रिमाइंडर आ गया, अब हम बोलेंगे अगर जीरो आ जाता है तो फैक्टर है, जीरो नहीं आता तो नहीं है। दिस इज द क्वेश्चन फर्स्ट अभी फिलअप करेंगे जी, एक्स की वैल्यू माइनस वन, माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन, जीरो आ गया जी, मीन्स एक्स प्लस वन इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। सेकेंड सेम क्वेश्चन है जी, एक्स फोर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन, फर्स्ट का सेकेंड पार्ट, फिर से एक्स की वैल्यू कितनी फिलअप करेंगे, माइनस वन, वन माइनस वन माइनस, क्या बच गया जी, वन, रिमाइंडर आ गया वन, जीरो नहीं आया, एक्स प्लस वन इज नॉट द फैक्टर, फैक्टर नहीं है। थर्ड सिमिलर आप करोगे, मैं फोर्थ करवाता हूं रूट वाला, थर्ड सिमिलर है आप कर सकते हो, मैं फोर्थ क्वेश्चन करवाता हूं, रूट है उसमें, फोर्थ वैल्यू फिलअप करते हैं, एक्स की माइनस वन, क्वेश्चन सेम था, एक्स की वैल्यू माइनस वन फिलअप कर ली, माइनस माइन माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, आगे वाली माइनस वैसे ही रही, माइनस माइनस प्लस, ये वाला वैसे, ये माइनस को इससे प्लस कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई थी, माइनस वन माइनस वन, कैंसल, कितना आया जी, रिमाइंडर निकलाया अपना टू रूट टू, रिमाइंडर निकलाया टू रूट टू, तो ये जो है जीरो नहीं आया, इसलिए फैक्टर नहीं है, इसलिए फैक्टर नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन जी एक्स इज द फैक्टर. सेम है जी, एक करूंगा मैं पार्ट, बाकी दोनों दो सेम है. ऐसे ही करना है, फिलअप करके देखेंगे, अगर जीरो आ जाएगा तो फैक्टर है, नहीं आएगा तो नहीं है. फैक्टर थ्योरम की हेल्प से हमने फाइंड आउट करना है. फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं जी, पी एक्स गिवन है आपको 2x³ प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 1. जी एक्स है आपके पास x प्लस 1. फिर से क्वेश्चन वही है, आपने फाइंड आउट करना है कि जी एक्स जो है एक्स प्लस 1 फैक्टर है या नहीं. सेम जी एक्स को जीरो भर के हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली माइनस 1. अब पी में भर देंगे ऐसे, यहाँ पे लिखा माइनस 1, 2 एक्स की माइनस 1 माइनस 1 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1 कैंसल कैंसल, जीरो आ गया. अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तो फैक्टर है. फैक्टर थ्योरम इन्होंने पूछा था भी ये फैक्टर है या नहीं, तो आंसर है फैक्टर है. थर्ड क्वेश्चन करेंगे जी, सिमिलर केस है. थर्ड फाइंड द वैल्यू ऑफ के, के हमको पता करना है. एक्स माइनस वन फैक्टर है, गिवन है आपको फैक्टर है, मींस एक्स की वैल्यू अगर आप पॉलिनोमियल में वन भरोगे तो आपका आंसर जीरो आएगा. मैं फर्स्ट पार्ट करता हूं जी, थर्ड का फर्स्ट पहले. पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस के. तो आप एक्स की वैल्यू कितनी भरनी है जी, वन. वन क्वेश्चन में गिवन है क्योंकि ये फैक्टर है, तो वन प्लस के. वन भरने से आंसर कितना आना चाहिए, अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर कितना आएगा, जीरो. तो के कितना आ गया जी, माइनस टू. टू बन गया इस तरफ आके माइनस. सेकेंड पार्ट है, रूट वाला है इसलिए कर रहा हूँ. एक्स इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वेयर प्लस के एक्स प्लस रूट टू. वैल्यू भर दीजिए आप, वन टू वन का स्क्वेयर के इंटू वन प्लस रूट टू इज इक्वल टू जीरो. के इज इक्वल टू टू वी माइनस का माइनस रूट. ये दोनों दूसरी तरफ चले गए, के की वैल्यू आ गई आपके पास. थर्ड पार्ट सिंपल है जी, रूट है इसलिए कर रहा हूं. थर्ड पार्ट पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वेयर माइनस रूट टू एक्स प्लस वन. वैल्यू वन भरोगे आप, इक्वल टू किसके लिखोगे, जीरो के लिखोगे. के रूट टू प्लस का होगा दूसरी तरफ, वन जो था वो माइनस का हो गया. ये आपके पास के की वैल्यू आ गई. ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं. नेक्स्ट है जी, फैक्टराइज करना है हमने. फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं. फोर्थ क्वेश्चन फैक्टराइज के दो मेथड हैं जी. एक तो है सिंपल फैक्टर बनाना. फैक्टर बनाएंगे सप्लीटिंग द टर्म बाय सप्लीटिंग द मिडल टर्म. दूसरा है जी बाय फैक्टर थ्योरम, बाय सप्लीटिंग द मिडल टर्म. एंड सेकंड है जी बाय फैक्टर थ्योरम. तो हम कोई भी मेथड लगा सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमको सिंपल फैक्टराइज करने के लिए बोला है. तो मैं आपको बाय सप्लिटिंग द मिडल टर्म करवाऊंगा, इजी रहता है. फैक्टर थ्योरम जो है फिफ्थ क्वेश्चन में लगाएंगे क्योंकि वहां पे लगानी पड़ेगी, सिंपल फैक्टराइज नहीं होगा. तो जो क्वाड फैक्टर बाय सप्लिटिंग द मिडल टर्म रहता है, ये रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. ये रहता है क्वाड्रेटिक में. क्वाड्रेटिक कौन सी थी, मैंने बताई थी, जिसमें डिग्री जो है वो दो है. अगर डिग्री दो से बढ़ जाएगी तो ऑब्वियस है हमको फैक्टर थ्योरम ही यूज़ करनी पड़ेगी. इसलिए जब तक डिग्री दो है हम सप्लिटिंग द मिडल टर्म लगाएंगे, जब डिग्री तीन चार पाँच होगी तो हम फैक्टर थ्योरम अप्लाई करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फैक्टराइज सिंपल वे में करवाता हूँ आपको.
बेसिक मेथड बताऊंगा, आपके ध्यान में आ जाएगा। 12x² - 7x + 1, मैं थोड़े से रूल बता रहा हूँ आपको। सपोज एक क्वेश्चन में रूल बता रहा हूँ, ax² + bx + c है सपोज, ये अगर c जो है वो पॉजिटिव हो, तो जो आप सप्लिट करोगे, आपने सप्लिट किसको करना जी, सप्लिटिंग द टर्म है ना, आपने सप्लिट किसको करना है, मिडल टर्म को। आपने सप्लिट किसको करना है जी, सप्लिट करना है आपने मिडल टर्म को, मींस b को, b के दो बनाने आपने, दो पार्ट्स बनाने आपने, तो दोनों ही सेम साइन के होंगे, सेम साइन जो b का साइन है, b के साथ में सेम साइन विद b, पार्ट्स जो बनेंगे, जो सप्लिट करने से पार्ट्स बनेंगे उसके b के साथ में सेम साइन होंगे। मींस अब मैं इसको जो मैंने बोला है आपको उसको लिख करके दिखाता हूँ। ये आपका क्वेश्चन है 12x² - - +1। तो अगर यहाँ पे प्लस है तो जो अगर b के आगे माइनस है तो दोनों माइनस होंगे, अगर b के आगे प्लस होता तो दोनों प्लस होंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स मेनली माइनस और प्लस में मिस्टेक करते हैं इन क्वेश्चंस में। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अभी लिखना क्या है यहाँ पे, इस 7 को हम सप्लिट करेंगे दो पार्ट्स में, मल्टीप्लाई किसके इक्वल होगा इन दोनों का, इन दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल, मींस 12 के इक्वल, मींस बी को हमने दो पार्ट्स में सप्लिट करना है, बी को दो पार्ट्स में सप्लिट करना है, उनका सम जो है वो बी के इक्वल रहना चाहिए और प्रोडक्ट जो है वो सी इंटू ए की प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए, सी इंटू ए की प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। अभी डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 12 है, इन दोनों की मल्टीप्लाई 12 है, 7 को सप्लिट करेंगे 12 बना लेंगे। अब देख लीजिए 7 4+3 7 मल्टीप्लाई 12 कॉमन, अब ये दो कैंडिडेट बन गए, एक दो, दोनों में कौन कॉमन है, ये चला गया, क्या बचा, दिस इज द आंसर, आपने फैक्टराइज कर दिया। अब इसमें था सी अगर पॉजिटिव है, अगर सी नेगेटिव होता देन जो बी के पार्ट्स होंगे वो अपोजिट साइन के होंगे, एक प्लस और एक माइनस, ये अगर आप ध्यान में रखते हो तो फैक्टराइज में आपकी मिस्टेक नहीं होगी। मैं सेकंड पार्ट करता हूँ फोर्थ का सेकंड पार्ट आपके पास में है 2x² + 7x + 3। अभी फिर से आप देखोगे प्लस है यहाँ पे, पहले ऐसे लिख लिया करो, अगर प्लस है तो सेम साइन रहेंगे, यहाँ भी प्लस है तो बीच में प्लस, 3 × 2 = 6, तो इसको डिवाइड करना है दो ऐसे पार्ट्स में, मल्टीप्लाई करने पर 6 आए तो 6x 1x। अभी क्या होगा इन दोनों में से, 2x कॉमन, अब इन दोनों में से x + 3 कॉमन, बन गए जी फैक्टर बन गए आपके। नेक्स्ट करेंगे थर्ड पार्ट। (6x² + 5x - 6). अब ये नीचे वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, 6x² - 6 है तो जो फैक्टर बनेंगे इसके यानी सप्लिट करेंगे उसमें अपोजिट साइन होगा। एक बात, इन दोनों की मल्टीप्लाई 36, 5 को ऐसे डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई 36 हो, तो 9 × 4 36 बन गया। बस अब क्या है इसमें से, 3x कॉमन, -2 कॉमन,
यस, दोनों में कॉमन, फैक्टर बन गए जी, फैक्टर आ गया अपने पास। फोर्थ करेंगे अभी हम, नेक्स्ट फोर्थ लास्ट पार्ट है इसका, फोर्थ क्वेश्चन का। फोर्थ, 3x² - x - 4, अगेन माइनस आ गया, यहां पे माइनस है तो माइनस एंड प्लस, इन दोनों की मल्टीप्लाई 12, इसको ऐसे पार्टीशन करना है 12 बन जाए मल्टीप्लाई। आगे जी 12 आ गया, x कॉमन प्लस 1, इन दोनों में से कॉमन 3x - 4 एक्स प्लस 1, दिस इज द आंसर। ये थे आपके पार्ट। फिफ्थ क्वेश्चन है जी, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, x³ - 2x² - x + 2, इसके भी फैक्टर बनाने हैं, पर ये क्वाड्रेटिक नहीं है, इसमें पावर कितनी है 3। तो फर्स्टली हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, तो हमको इसमें फैक्टर थ्योरम ही अप्लाई करनी पड़ेगी। फैक्टर थ्योरम में हम फर्स्टली हिट एंड ट्रायल लगाते हैं। फैक्टर थ्योरम में हम यूज करते हैं हिट एंड ट्रायल। इसका मीन समझो, हिट मतलब हम इसमें कोई भी वैल्यू इजी से इजी भर के देखेंगे, अगर भरने के ऊपर टोटल वैल्यू 0 आ जाती है तो वो सक्सेसफुल ट्रायल है, अदरवाइज वो फेल हो जाएगा हमारा ट्रायल, हम और कोई हिट लगाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ये क्वेश्चन आ गया आपने, इसका नेम क्या है, सपोज पी एक्स, एक्स की वैल्यू आप 1 भर के देखो, अपनी मर्जी से भर रहा हूं 1, वैसे मर्जी का क्या होता है, जो लास्ट हमारा डिजिट है इसके फैक्टर कर लेते हैं हम, 1 and 2 इज अ फैक्टर, 1 and -1 इज ऑल्सो इज अ फैक्टर, यानी इसके फैक्टर क्या आएंगे, ±1 and ±2, ये फैक्टर आ जाएंगे इसके। तो अब इनको 1 by 1 हम फिलअप करके देखेंगे, अगर 0 आ जाता है तो फैक्टर बन जाएंगे, अदरवाइज नहीं बने। तो मैं 1 फिलअप करके देख रहा हूं, जीरो आ गया जी, हो सकता है मैं पहले -1 फिलअप करता तो 0 नहीं आता, तो हम बोलते ये फैक्टर नहीं है। अब क्या आ गया जी, 1 फिलअप करने से, यानी x की वैल्यू 1 फिलअप की तो रिमाइंडर 0 आया, वैल्यू सॉल्व होगी। देन x की वैल्यू 1 मींस x - 1 इज द फैक्टर ऑफ px, नेम हमने क्या दिया था px, इसका एक फैक्टर निकल गया x - 1, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अभी ये क्वाड्रेटिक तो बनी नहीं, क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी। क्वाड्रेटिक कैसे बनेंगे, डिवाइड करेंगे, अब हम इससे इसकी इससे इसको डिवाइड करेंगे, यानी पी एक्स को एक्स माइनस वन से डिवाइड करेंगे, सेकंड स्टेप यूज कर रहा हूं, एक्स माइनस वन से डिवाइड करेंगे लास्ट वही फार्मूला, ये 3 पावर है, ये 1 पावर है, कितनी चाहिए 2 पावर, माइनस प्लस कैंसल, कितना रह जाएगा जी -x² - x + 2, अगेन सेम करना है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस माइनस कैंसल, 2x + 2, अभी कितना आएगा जी -2, 2x + 2 + - कैंसिल। आपने देखा रिमाइंडर 0 आ गया, वो तो हमने पहले ही चेक कर लिया था, जब 1 भर के 0 आया था तो हमको पता है 0 ही आएगा। क्या बन गया अभी, px इक्वेशन के 2 फैक्टर आ गए, एक तो आ गया x - 1, ये तो पहले निकाले, एक नया आ गया अपने पास x² - 2, ये हो गया जी सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हमने x की वैल्यू को 1 फिलअप करके चेक किया था 0 आया कि नहीं आया, 0 आ गया तो डिवाइड कर लिया, डिवाइड करने से ये पॉइंट आ गया। अभी फिर से करेंगे इसको स्प्लिटिंग मेथड से, फिर से स्प्लिट करेंगे ताकि फुली फैक्टर बन जाए।
पी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई विद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। अभी हम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू को सप्लिट करेंगे, मेथड यही वाला, एक्स स्क्वायर माइनस 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 टू माइनस प्लस। मैंने बताया अगर माइनस हो तो ये दोनों साइन अपोजिट होंगे, 2x 1x, x माइनस टू प्लस वन एक्स माइनस टू, एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू फैक्टर आ गए। तो अपने फैक्टर क्या है जी, पी एक्स की वैल्यू के टोटल फैक्टर कितने आ गए अपने पास, x माइनस वन एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू, दिस इज आंसर। ऐसे आपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है जी। नेक्स्ट करेंगे जी फिफ्थ का सेकंड पार्ट, फिफ्थ का सेकंड पार्ट। सेम रहेगा जी प्रोसीजर अभी, फिफ्थ का सेकंड पार्ट, एक्स क्यूब थ्री एक्स स्क्वायर नाइन एक्स माइनस फाइव। अब फिर से इसका नेम क्या है, पी एक्स, फटाफट कर सकते हैं हम, एक्स की वैल्यू वन फिलअप करके चेक करें आप, वन वन माइनस थ्री माइनस नाइन माइनस फाइव, चेक करें जीरो नहीं आया, कितना आ जाएगा देखिए, जीरो नहीं आया। फिर माइनस वन फिलअप करते हैं, माइनस वन फिलअप करेंगे, माइनस वन माइनस थ्री माइनस वन का स्क्वायर माइनस नाइन माइनस वन माइनस फाइव, इसका थ्री भी लिख लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस वन ये प्लस ही बन जाएगा माइनस थ्री, ये प्लस बन गया नाइन माइनस फाइव, क्या आ गया जी आपके पास, जीरो। मीन्स एक्स इक्वल टू माइनस वन इज द फैक्टर, मीन्स एक्स प्लस वन इज द फैक्टर, तो इसका एक फैक्टर निकला आया एक्स प्लस वन। तो सेकंड स्टेप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, डिवाइड, एक्स प्लस वन से अब इसको डिवाइड करता हूं, एक्स प्लस वन से डिवाइड होगा, सेम करने के लिए एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इससे मल्टीप्लाई किया प्लस एक्स स्क्वायर कैंसल माइनस माइनस फोर एक्स स्क्वायर नाइन एक्स माइनस फाइव। अब माइनस फोर एक्स फोर एक्स से मल्टीप्लाई प्लस प्लस कैंसल फाइव एक्स माइनस फाइव, फाइव से मल्टीप्लाई माइनस आना था, माइनस फाइव से मल्टीप्लाई माइनस था ना, क्योंकि माइनस नाइन प्लस फोर माइनस फाइव आना था, कैंसिल। तो क्या आगे फैक्टर अभी इस पूरी इक्वेशन के, एक्स प्लस वन एंड एक्स स्क्वायर।